वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि यार गाइस लॉस सैंटोस में हो चुका है ज़ोंबी अटैक और यहां पर गाइस लॉस सैंटोस में भर चुके हैं ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज। एंड गाइस यहां पर ज़ोंबीज से बचने के लिए हम सभी लोग, मैं और यहां पर बहुत सारी लॉस सैंटोस एक बंकर में आ चुकी है और गाइस यहीं पे हम रह रहे हैं कल रात के। तो गाइस कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि यार हमने एक तो नुस्खा निकाला है इसका, तो गाइस हमें ये तो पता लग ही चुका है कि हमारे ये बस की बात ही नहीं है, तो गाइस हमें चाहिए अवेंजर्स की मदद। और गाइज आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम अवेंजर्स के घर पे भी गए, बट गाइज अवेंजर्स वहाँ पर है ही नहीं। यार हाँ यार है ही नहीं। और गाइज हमें प्रॉब्लम इसी बात की आ रही है कि गाइज अगर हम अवेंजर्स को लेने में कामयाब ना हुए और गाइज अवेंजर्स अगर यहाँ पर ना आए तो गाइज यहाँ पर किसी भी वक्त लॉस सैंटोस में भाई साहब ज़ोंबीज़ का कब्जा हो सकता है। भाई साहब कल अगर तुझे कुछ अच्छा बोलना नहीं आता तो भाई साहब मुझे ही बोल ले दिया कर। भाई साहब गाइज अगली वीडियो से वीडियो मैं स्टार्ट किया करूंगा भाई साहब। हाँ तू कर लियो भाई साहब, जो बात है वही बता रहा हूँ। अरे यार साइकिल भैया माइकल अंकल कहाँ गए हैं? अबे यार माइकल तो गया है प्लेन लेने। भाई साहब प्लेन? हाँ प्लेन। तो गाइज आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यार गाइज यहाँ पर हम जाएंगे नॉर्थ यंगटन में, जहाँ पर की गाइज कहा जा रहा है अवेंजर्स हैं। और गाइज यहाँ पर ये बात कह रहा है हमें माइकल, और माइकल का कहना है कि पक्का अवेंजर्स नॉर्थ यंगटन में गए हुए हैं, बिकॉज यार गाइज पता नहीं शायद उसकी बात हुई थी अवेंजर्स से। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन बात हुई थी यार। हाँ फिर तो सही है, इसका मतलब गाइस शायद माइकल को पता है कि अवेंजर्स कहाँ मिलेंगे। भाई साहब शायद क्या, पक्का ही पता है भाई साहब, नॉर्थ यंगटन में मिलेंगे। अरे यार हाँ यार चलो यार जहाज निकालो और जल्दी से नॉर्थ यंगटन चलते हैं। अबे हाँ गाइस यार हम जल्दी से नॉर्थ यंगटन चलते हैं और गाइस अवेंजर्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, और गाइस उसके बाद ये सारा ज़ोंबी का जो भी सीन है ये देखेंगे और गाइस इसको ठीक करेंगे ताकि गाइस लॉस सैंटोस जल्द से जल्द बच पाए। अरे यार फ्रैंकलिन क्या तुझे पता है हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अबे हाँ यार ज्यादा टाइम भी नहीं है यार गाइस, अगर ये ज़ोंबी वायरस हफ्ते तक भी रह गया ना तो लॉस सैंटोस तो आधी खत्म हो जाएगी। अबे यार तू भी कुछ ढंग का बोल ले, अबे चुप उसको कुछ बोल यार। बाबा ऐसा वो तो सच्चाई बोल रहा है। अबे यार जो भी है गाइस आप सभी लोगों को पता है ना कि गाइस हमें जल्द से जल्द ये ज़ोंबी वायरस को खत्म करना पड़ेगा ताकि गाइस लॉस सैंटोस फिर से पहले जैसी ठीक हो पाए, क्योंकि गाइस अगर ज्यादा देर तक ये ज़ोंबी वायरस रहा तो गाइस पता नहीं यार वो क्या क्या तबाही कर देंगे, और गाइस अगर लॉस सैंटोस भाई साहब तबाह हो गई तो यार हम सब भी तबाह हो जाएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया और ये भी नहीं पता यार कि बंकर के अंदर हम कितनी देर तक सुरक्षित हैं। अबे यार बंकर के अंदर तो हम सुरक्षित हैं, बिकॉज गाइस बंकर के अंदर ज़ोंबीज नहीं आ सकते, सब तरीके से बंद है, ऊपर से एक दरवाजा है और गाइस वो दरवाजा ज़ोंबीज तो क्या ही खोलेंगे। तू ज़ोंबीज़ की बात कर रहा है? अबे वो सब कुछ खोल लेते हैं। अबे माइकल तू आ गया? अरे नहीं नहीं मेरा भूत आया। अबे यार तू ज़ोंबी बन गया? अरे यार क्या बात, तो सुन मेरी। हाँ बोल बोल। अरे यार माइकल अंकल प्लेन का क्या इंतजाम हुआ? हाँ हाँ प्लेन का इंतजाम मैंने कर लिया है। अबे भाई साहब शुक्र है, अब जाएंगे नॉर्थ सेंटर में। पर क्या भाई साहब? प्लेन लेकर आने में लगेगा आधा घंटा। अबे चल कोई बात नहीं, रात के हम यहीं पे सोए हुए हैं भाई साहब, आधा घंटा और लग जाए क्या होता है। हाँ वो बात तो सही है, पर यार फ्रैंकलिन मेरी बात सुनने तैयार हो जा, क्योंकि हम अवेंजर्स को लेकर जैसे लॉस सैंटोस में आएंगे वैसे ही हमारे पे ज़ोंबीज़ भी अटैक कर सकते हैं और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ज़ोंबीज़ को हराना और ज़ोंबीज़ से मुकाबला करना तो अवेंजर्स कर लेंगे, पर हमें वो सारा वायरस कैसे ठीक करना है ये करना पड़ेगा, इसका इंतजाम। अरे यार हाँ यार वायरस ठीक कैसे होगा? अरे वही तो बात नहीं पता मुझे, मेरी अभी अभी बात हुई एक साइंटिस्ट से। अबे किस साइंटिस्ट से? अरे यार जब मैं प्लेन का पता करने गया था उस वक्त मैं लॉस सैंटोस के साइंटिस्ट के पास भी जाकर आया हूँ। अबे यार साइंटिस्ट नहीं आया भाई साहब बंकर में, सारा लॉस सैंटोस तो अंदर है। अरे नहीं नहीं वो साइंटिस्ट का कहना है कि तुम अकेले मरोगे, मैंने नहीं मरना। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, हम तो बंकर में सेफ हैं। अरे हाँ हाँ पर वो साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो भी ज़ोंबी वायरस चल रहा है ये किसी के द्वारा किया जा रहा है। अबे किसी के द्वारा किया जा रहा है? अरे हाँ फ्रैंकलिन तू खुद भी तो सोच कर देख ले, अचानक से इतने सारे ज़ोंबीज कैसे आ सकते हैं लॉस सैंटोस में। अरे यार हाँ यार इतने ज्यादा इंसान भी कैसे ज़ोंबी बन सकते हैं? बिल्कुल ये पूरा का पूरा वायरस किसी के द्वारा फैलाया जा रहा है। अबे यार माइकल क्या तू पक्का शोर है? अरे यार फ्रैंकलिन हाँ यार मुझे भी ये लगता है। अरे लगता क्या है ट्रेवर, यही बात है। अबे यार गाइस यार ये माइकल तो और डरा रहा है यार। अबे चल कोई बात नहीं, जैसे ही हम अवेंजर्स को यहाँ पर ले आएंगे अपने आप सारा सीन ठीक हो जाएगा। अरे हाँ मैं तभी कह रहा हूँ जल्दी से पैकिंग वैकिंग कर ले, क्योंकि हम सीधा नॉर्थ यंगटन की तरफ निकलने वाले हैं, और हाँ रास्ते में जितने भी ज़ोंबीज़ मिलेंगे उनका मुकाबला हम तीनों को ही करना है, ठीक है ना? अरे यार हाँ यार हम दोनों की हिफाजत भी करनी है आपको। अरे शिनचान चुप, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अबे हाँ यार इनको तो कुछ होने नहीं देंगे, पर यार हमें कुछ हो जाए इससे पहले पहले यार हमें अवेंजर्स को लॉस सैंटोस लेकर आना पड़ेगा। अरे हाँ बस तैयारी चालू है, प्लेन जल्द ही डिलीवर हो जाएगा बंकर के ऊपर। अबे यार चलो गाइस सही है यार, तो गाइस देखते हैं यार कितना टाइम लगता है प्लेन को आने में। जैसे ही गाइस हमारे तक प्लेन पहुंचता है हम आपको अपडेट देते हैं। क्यों? अरे यार हाँ यार प्लेन पहुंचते ही मिलते हैं। हाँ यार गाइस चलो यार अब जल्दी से प्लेन की वेट करते हैं।
ओके वेल तो गाइस हम सभी लोग आ चुके हैं बंकर के ऊपर। और गाइस भाई साहब मैं तो फंस गया था अभी अभी आते आते। अरे यार फ्रैंकलिन भी आपको कहा है यार तोड़ कम करो अपनी यार। बाबा सब माइकल और ट्रेवर ने मिलके निकाला इसको। अबे चल चल वो वीडियो में नहीं दिखाना। वेल तो गाइस यार ये कह रहा है माइकल कह रहा है कि फोन आ चुका है मुझे कि यार हमारा जो भी प्लेन है वो डिलीवर हो चुका है। अबे यही है क्या? अरे यार हाँ बिल्कुल। अबे भाई धुआं निकल रहा है यहाँ से। अरे यार कोई नहीं वो कह रहा है कि चलाकर ठीक हो जाएगा ये। अबे भाई और ये तो मुझे देखने में कार्गो बोब लग रहा है। अरे यार हाँ देखने में क्या लग रहा है वो देख सामने लिखा हुआ है। अरे यार ये तो मेरा फेवरेट है यार। अरे यार ये हमें लॉस सैंटोस वालों ने दिया है। अबे सच में क्या? अरे हाँ उन्होंने कहा है कि लॉस सैंटोस की हिफाजत के लिए जो भी चीज चाहिए होगी हमसे ले लेना। अबे यार फिर तो बढ़िया है। अरे यार फ्रैंकलिन अब तो चलेंगे ना हम। अबे हाँ ड्राइवर आराम से चलेंगे बट एक बात बता। अरे हाँ बोल अब क्या हो गया? अबे इसको चलाएगा कौन? अबे एक सेकंड तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे यार मेरे फ्रैंकलिन भैया जिंदाबाद। बाबा सब कलुआ जिंदाबाद। अरे यार फ्रैंकलिन जिंदाबाद है तू? अरे यार फ्रैंकलिन तू ही चलाया यार। अबे भाई साहब मैं नहीं चलाने वाला मैंने मरना है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया चला लो यार। अरे हट हट सब क्या समझा भाई मुझे मैं इतना बड़ा कैसे चलाऊंगा भाई आज तक गाड़ी चलाई है मोटरसाइकिल चलाया सिर्फ और सिर्फ। अरे यार फ्रैंकलिन चला ले यार सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अभी नीचे हैं एक आधा ऊपर आ गया ना तो तेरा ये पूरा हेलीकॉप्टर कार्गो वो तोड़ देगा वो। अबे यार वो तो बात सही है पर यार नहीं यार मैं नहीं चला सकता भाई मैं चला घर अपने। अरे यार घर भी कैसे जाओगे यार ज़ॉम्बी रस्ते में। अबे यार गाइस बुरा फंस रहा हूँ मैं। अबे इसको चलाने में पायलट चाहिए होता है। अरे यार तो पायलट कहाँ है? अबे मुझे क्या पता तुझे पता होगा पायलट कहाँ है। अरे यार फ्रैंकलिन बंकर में होगा। अबे हाँ ये ड्राइवर सही कह रहा है भाई साहब बंकर में होगा। चल चल पायलट को बुलाएंगे। मैं नहीं चलाने वाला भाई गाइस मुझे मरवाने लगे ये एक तरफ से तो भाई मैंने मरना है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन जा यार मुझे लगा था तू बहुत ज्यादा ताकतवर है। अबे चल ताकतवर को छोड़ भाई साहब इतना बड़ा कार्गो बॉब चलाऊंगा जो कि मैंने पहले कभी नहीं चलाया भाई साहब ठोक दूंगा। बाबा साहब आसमान में कैसे ठोकेगा तू? अबे चल यार जैसे भी। अबे यार गाइस चलो अंदर यार देख कर आते हैं भाई साहब कहाँ है पायलट। वेल तो गाइस बंकर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और भाई साहब पायलट कहाँ है? अरे यार क्या पता है इतने बंदों में से पायलट को कैसे ढूंढूंगा। अबे यार गाइस क्या है अबे कोई पायलट 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 कौन है पायलट कौन है भाई साहब कौन है पायलट? अरे यार फ्रैंकलिन ऐसे थोड़ी मिलेगा यार रुक मैं ढूंढता हूँ। अबे जल्दी ढूंढो पायलट कहाँ है यार गाइस पायलट को ढूंढो। अरे नहीं 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 मैं नहीं जाने वाला। अबे चले जाना यार तेरा पायलट होने का क्या फायदा बे डूब के मर जा फिर। अरे यार नहीं नहीं अगर मैं जाऊंगा तो ज़ॉम्बीज़ खा जाएगा यार मुझे। अबे फिर क्या होता है ज़ॉम्बीज़ ये खा गए। अरे नहीं जाऊंगा मैं। अबे यार गाइस क्या है ये पायलट जा ही नहीं रहा। अरे यार फ्रैंकलिन तुझे ही जाना पड़ेगा यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलो बाबा सब कर लो चल। अबे यार गाइस बुरी मुसीबत में पड़ गया यार मैं। अबे भाई साहब देख लो पहले ही मेरी बात सुन लो अगर इसको कुछ भी हुआ या फिर हम वहाँ पर नॉर्थ सेंटर ना पहुँच पाए तो भाई साहब मेरी गलती कोई नहीं निकालेगा। अरे यार नहीं नहीं आपकी गलती कोई नहीं निकालेगा यार आप चलाओ तो। अबे यार गाइस बुरी मुसीबत में फंस गया भाई साहब ये चलाना पड़ेगा अब। अरे यार फ्रैंकलिन चला ले यार टाइम कम होता जा रहा है यार ज़ॉम्बीज़ हर एक सेकंड में बढ़ रहे हैं। अबे यार पर यहाँ पर तो अब कोई नहीं है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पर नीचे है यार ये तो पहाड़ी का टॉप है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं। बड़ा सब और क्या बे? अबे यार गाइस मुझे तो लगता ही है भाई साहब मुझे मरवा देंगे। चलो यार कुछ नहीं होता गाइस इतना कुछ करना भाई साहब वैसे भी गाइस हो सकता है कि अगर मैं ना गया तो यहीं पे मर जाऊं इससे बढ़िया यही चलाकर भाई साहब मरूंगा। अरे यार क्या बोले जा रहे हो? अबे कुछ नहीं चलो यार गाइस चलता हूँ। अबे चलाते हैं यार इसको। अबे भाई साहब ये कौन था? अरे यार ये किसने मारा यार? अबे भाई साहब भाई वहाँ से आया कुछ। अरे यार फ्रैंकलिन किसने मारा ये आरपीजी? अबे भाई पता नहीं। अबे यार गाइस पूरा प्लेन तबाह कर दिया। अबे वहाँ से आया मुझे पता है। अबे यार गाइस बिल्कुल राइट से आया यार कुछ तो हुआ है भाई वहाँ। अरे यार किसने मारा है? अबे तेरी भाई ये कौन है? अरे यार क्या हो गया? अबे भाई वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। अरे इनकी तो ऐसी तैसी चलो इनके पास चल जल्दी से। अबे आजा भाई साहब इनको बताते हैं। अबे यार गाइस पूरा जहाज भाई साहब फोड़ दिया। बे तुम्हारी ऐसी तैसी कौन हो बे तुम सब? अबे कौन है बे तू? अबे हंस मत बता रहा हूँ मैं। भाई साहब क्यों फोड़ा हमारा हेलीकॉप्टर? तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है? अबे यार अबे माइकल समझा यार इसको कुछ ये हंसी जा रहा है। अबे कौन है बे तू? अरे यार कौन है तुम? चल ये बता पहले अपना नाम बताओ या फिर काम। अबे जो भी है तू बस बता दे तू कौन है भाई साहब। पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है बे। तू खुद भी लॉस सैंटोस का रहने वाला होगा तुझे इतना नहीं पता भाई साहब क्या चल रहा है। हम वही ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करने अवेंजर्स को बुलाने जा रहे थे और तूने ये क्या किया? पता है मुझे तुम अवेंजर्स को बुलाने जा रहे थे तभी तो मैंने ये किया। अबे भाई साहब क्या मंद बुद्धि इंसान है। अबे क्या तेरे दिमाग में अकल वकल नहीं है भाई देखने में तो साइंटिस्ट लग रहा है। बड़ी जल्दी पहचान लिया। अबे मैं ऐसे लोग
को बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। अब जल्दी बता दे भाई साहब, तूने ये क्यों किया और कौन है बे तू, क्या चाहता है? मेरा नाम तो बल्लू है और मैं चाहता हूँ कि पूरी लॉस सैंटोस ज़ॉम्बीज के कब्जे में हो। अबे भाई साहब, अबे कहीं तू ही तो नहीं है जिसने सारा कुछ किया है? ओह, तू वैसे बहुत जल्दी बातें पहचान लेता है। बिल्कुल, मैंने ही ये सब किया है और आगे मैं ही ये सब कुछ करूंगा। रोक सकता है तो रोक ले, क्योंकि अब लॉस सैंटोस पे कब्जा होगा मेरा, मेरे ज़ॉम्बीज का। और तेरे जैसे लोग और एवेंजर्स मुझे रोक के दिखाना। अबे तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। ना ना ना, कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम तो तीन हो और हमारे यहाँ बंदे भी देख लो, तो थोड़ा सोच समझ कर करना जो करना है। अरे तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वो तो तब करोगे जब अपनी लॉस सैंटोस को बचा पाओगे। हा, जाओ पहले लॉस सैंटोस बचाओ, फिर आना मेरे पास, जाएंगे एवेंजर्स के पास। हा, आ जाओ साथियों। अरे यार फ्रैंकलिन, तूने उनको जाने क्यों दिया? तू पागल हो गया क्या? अबे भाई साहब थोड़ा शांत हो जा माइकल। अबे उनके पास बंदे देख कितने थे, और भाई साहब उसके हाथ में पता क्या था? भाई साहब आरपीजी। अरे यार हाँ माइकल अंकल, यार वो तो एक आरपीजी से हम सबको खत्म कर देता। हाँ, और भाई साहब अगर आरपीजी से हम खत्म हो जाते ना, तो लॉस सैंटोस को बचाने वाला भी कोई ना बचता। अरे यार पर ये कौन है जो इतना तबाही करवा रहा है? अबे यार वो तो मुझे भी नहीं पता, और भाई साहब ये चाहता क्या है? भाई साहब पता नहीं, कह रहा था भाई साहब सारे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज कर देगा। अरे यार और लॉस सैंटोस में राज करेगा? इसको तो राज तो मैं करने नहीं दूंगा। फ्रैंकलिन तू मेरे साथ है या फिर नहीं बता? अबे मैं ऑलवेज तेरे साथ हूँ यार। अरे माइकल मैं भी हूँ यार। अरे ट्रेवर फ्रैंकलिन, अगर तुम सब मेरे साथ और शिनचैन चॉप हम सब साथ है ना, तो इस साइंटिस्ट को देख लेंगे। अबे हाँ यार इनको देख लेंगे, पर सब कुछ स्ट्रेटजी से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा भाई साहब। देख ले ज़ॉम्बीज़ ऊपर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। अरे यार मार इसको, मेरे पास स्टन गन है। अबे भाई साहब एक स्टन गन लेकर भाई साहब तू उनसे लड़ रहा था? रुक तेरी ऐसी, अबे कुत्ते हट तेरी ऐसी, तेज माइकल को मारेगा। अबे भाई साहब तू भी आ जा। अब गाइस यार अब ज़ॉम्बीज़ फिर से ऊपर आने स्टार्ट हो गए हैं यार। अरे यार फ्रैंकलिन जल्दी से बंकर में चल यार, वहां पर जाकर बात करते हैं। अरे यार हां यार अब जहाज तो फूट गया है यार, वहीं पे चलो। अबे हां यार जल्दी से आ जा भाई साहब। गाइस यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जिंदगी में। अरे यार फ्रैंकलिन भी अब क्या करना है यार? अबे यार मुझे क्या पता भाई साहब। अरे तुझे तो कुछ नहीं पता, अगर तू उस वक्त मेरा साथ देता ना, तो उसी वक्त उसको खत्म कर देते। अबे यार तू शांत हो जा माइकल यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई साहब? हाँ यार तू स्टन गन से क्या ही कर लेता माइकल भाई। अबे वही तो बात है यार, इसको ज्यादा गुस्सा आता है। अरे यार गुस्सा आए भी क्यों ना यार, वो हमारे हाथों से निकल गए, पता नहीं कहां गया होगा। अबे यार वो तो छोड़, मैं ये सोच रहा हूं कि वो साइंटिस्ट है कौन और वो क्यों चाहता है ये सब। अरे उसने बता तो दिया, लॉस सैंटोस पे कब्जा करेगा, अपने ज़ॉम्बीज को चारों तरफ फैला देगा और सबको ज़ॉम्बी बना देगा, उसके बाद खुद राज करेगा लॉस सैंटोस पे। अबे यार गाइस उसकी प्लानिंग तो बहुत ही तगड़ी है। अरे यार फ्रैंकलिन भी आप उसकी सपोर्ट में हो या फिर हमारी सपोर्ट में? अबे यार तू चुप कर यार, मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। बाबा सब सुन के तो नहीं लग रहा। अबे यार तू चुप कर जा यार। अबे यार बट यार क्या करें, अब गाइस मेरा दिमाग नहीं चल रहा यार कि क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यार उन्होंने हमारा कार्गो बो भी भाई साहब फोड़ के रख दिया, नहीं तो हम तो यार बस एवेंजर्स को लेने चले थे। अरे यार और क्या करना पड़ेगा, सेकंड प्लान सोचो कोई। अबे यार गाइस अब एक और प्लान सोचना पड़ेगा भाई साहब, इस बार कुछ तगड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि गाइस हम जो भी प्लान सोचेंगे उसके बीच में वो पक्का आएगा कि हमारा प्लान कामयाब ना हो पाए। अरे यार हाँ यार जैसे अभी अभी आ गया था। अरे यार फ्रैंकलिन पर मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है बे तू? अरे यार पर उसको पता कैसे लग रहा है कि हमारा प्लान क्या है? अरे यार हाँ फ्रैंकलिन भैया यार, हमने कौन सा उसको बताया था कि यार हम हेलीकॉप्टर बुलवाकर नॉर्थ सेंटर चले हैं? अबे यार तुम सबकी बात तो सही है यार। अबे यार उसको कैसे पता लग गया हमारे प्लान के बारे में और आकर उसने हमारा पूरा हेलीकॉप्टर फोड़ दिया? बाबा ऐसा पक्का यहाँ पर कोई ना कोई उसको बता रहा है कुछ। अबे यार पर कौन ही बताएगा, हम यहाँ पर तो हम चार हैं बस। अरे यार चार नहीं यार, 4 करोड़ है। अबे हाँ भाई साहब बात तो सही है यार, गाइस पूरी लॉस सैंटोस यहीं बंकर में है यार, और भाई साहब हम यहीं पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बाबा ऐसा फिर कौन बता रहा है? अबे यार रुक मैं देखता हूँ भाई साहब। अरे अबे रुक मैं अभी ना स्कैन मार कर आया कि कौन भाई साहब थोड़ा सा अलग लग रहा है। अबे एक सेकंड बे। अरे यार क्या हो गया, वापस क्यों आ गए? अबे माइकल हमारे पीछे एक बंदा खड़ा है, देखना उसको। कौन सा बंदा? ओह हाँ भाई साहब। अरे यार थोड़ा रुक जाइए यार, बॉस को बताने दो थोड़ी सी बातें। फ्रैंकलिन यही है भाई साहब, हमारी बातें बताएगा, हमारी बातें बता रहा है। तेरी तो भाई साहब, हमारी बातें बताकर दिखा अपने बॉस को, तेरी तो भाई
कैसे आ गया तू अंदर? बता कौन लेकर आया तुझे? अरे यार आपने तो फोड़ डाला इसको। अरे यार यही था वो जो हमारी बातें पहुंचा रहा था। ओ भाई साहब, तभी मैं कहूँ कि जो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहीं पे क्यों खड़ा है ये अलग सा? अरे यार फिंग दिया, चलो यार अब तो हम सेफ है यार, इनके खबरी को तो हमने मजा चका दिया। अबे हाँ यार अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अरे नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं, क्या पता उस बल्लू साइंटिस्ट ने कितने लोगों को यहाँ पर खड़ा किया हो हमारी बातें उन तक पहुँचाने के लिए। अबे बात तो यार तेरी सही है गाइस, यार हमें ना कुछ अलग सा बेस चाहिए होगा। अरे यार चलो यार अलग सा बेस लेंगे सबसे पहले तो यार, क्योंकि यार वहीं पे हम प्लान बनाएंगे और उसके बाद काम करेंगे। बाबा ऐसा बिल्कुल लॉस है, तो उसको बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अबे हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। चलो यार गाइस फिर मैं भी समझ चुका हूँ, आप भी समझ चुके हो गाइस हमने क्या करना है। हमें एक और बेस चाहिए होगा जहाँ पर हम अपनी सारी मीटिंग्स करें, हम अपने प्लान्स बनाएं, उसके बाद गाइस उस साइंटिस्ट को मजा चकाना पड़ेगा जो भी है ज़ॉम्बी वायरस को फैला रहा है और ये सब कर रहा है। और यार एवेंजर्स की मदद भी लेनी पड़ेगी यार किसी तरीके से। अबे यार हाँ, और गाइस वो भी हम तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम सब कुछ करेंगे जो जो मैंने आपको बताया। बाय बाय सब गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अरे हाँ गाइस यार, अगर आपको माइकल अंकल की ताकत का पता लगा हो तो यार लाइक कर देना। अबे माइकल अंकल की ताकत क्यों? बाय बाय सब, उनको मारने के लिए माइकल ही भाई साहब आगे हुआ था, तू तो चूहो जैसे खड़ा था। अबे यार ज्यादा बेइज्जती मत कर ठीक है ना। अरे यार चलो यार गाइस, जो भी है यार आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ गाइस, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।